नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। एक तरफ अपने बेटे का साथ देने के लिए कई नेता उनके साथ उनके चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ उतर रहे हैं, उनके साथ वोट मांग रहे हैं, उनके लिए चुनावी सभा कर रहे हैं, उनके लिए टिकटों का व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नई खबर सामने आई है कि LJP के जो खगड़िया से सांसद हैं महबूब अली कैसर, वो अपने बेटे के खिलाफ ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर से इस बार जो NDA की तरफ से VIP को सीट मिला है, उसके जो संस्थापक है मुकेश सैनी, वो इस बार मैदान में उतरे हैं और उनके लिए प्रचार करने जाएंगे महबूब अली कैसर। अपने बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन के लिए वो एक भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरे लिए पार्टी धर्म ज़्यादा ज़रूरी है बेटे के धर्म से। आपको बता दें कि यूसुफ सलाहुद्दीन जो हैं वो इस बार सिमरी बख्तियारपुर से RJD के टिकट पे खड़े हुए हैं। अपने पिता के अगेंस्ट जाके उन्होंने इस बार RJD से टिकट लिया है। अब देखना यह ज़्यादा ज़रूरी है कि जो LJP थी, जो NDA की एक समय की घटक दल थी, अब उससे अलग होके वह वहाँ से जीतती है या फिर NDA के जो प्रत्याशी हैं मुकेश सहनी, उन्होंने नामांकन किया था खगड़िया से, हालांकि उस समय उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, पर इस बार विधानसभा इलेक्शन है और सिमरी बख्तियारपुर सीट से वह लड़ रहे हैं। अब देखना यह ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन जीतता है। बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।